उन्होंने लेकर महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट कराया उसके लिए से। जब बीजेपी के पास कोई एजेंडा है क्या? कुछ लोग हैं जो भर फैलाने की स्थिति में बेरोजगारी लगे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बीजेपी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि जेडीयू में फूट है, जेडीयू पार्टी का विलय हो जाएगा। इसको लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है, बीजेपी अनाप शनाप बक रही है, बीजेपी के पास कोई कामधंधा नहीं है और बीजेपी कभी बेरोजगारी महंगाई के लेकर डिबेट कराई है, तमाम मुद्दों के लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। पहले आप इस वीडियो में देखिए। कहीं न राजनीति किसी भी हमारे जो घटक दल है महागठबंधन एकजुट है एक साथ है, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो। कुछ लोग हैं जो भर फैलाने की स्थिति में बेरोजगारी लगे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा है क्या? बुनियादी समस्या जो है महंगाई बेरोजगारी, उस पर उसकी सरकार है, कोई वास्ता है? कभी उन्होंने लेकर महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट कराया उसके लिए संवेदनशील हुआ? आज किस स्थिति में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का उन्होंने काम किया? कोई एजेंडा ही नहीं, बस एक एजेंडा है अपनी राजनीतिक सकने का, कैसे अपने राजनीति में बने रहे, एक काम है सिर्फ बीजेपी का। देखिए, बिहार जो है पहला राज्य है जो गणतंत्र पूरे संसार को दिया, ये जो है सत्याग्रह की धरती है, ये जो है संपूर्ण क्रांति की धरती है, यहीं से आकार मिला। निश्चित रूप से आप लोग देखते रहिए ना, बेचैन क्यों है भाजपा वाले लोग, हताश क्यों है, पता है उनको 24 में क्या होने वाला है? आप लोग इंतजार करिए, 24 में रिजल्ट मिलेगा। जनता सब चीज जान चुकी है, जनता उनका खेला को समझ चुका है। हंसी आती है जेडीयू में टूट की, अब इसके पहले भी बहुत बात उठाई गई, आपने देखा है। अब शुरू से जब जेडीयू का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए ना कि बड़े बड़े लीडर जो कहते थे कि हमारे साथ जेडीयू के इतने बड़े विधायक इतने साथ हैं, इतने एमपी हमारे साथ हैं, गए तो किनके साथ लेके गए? कोई गए किसी? आप लोग भी देखे कि भारत किस तरह से फैलाया जा रहा था। अभी तो माननीय रामेश्वर महतो जी हैं आपके बीच में बैठे, इनके बारे में किस तरह से भ्रम फैलाया गया आपके बीच में? इन्होंने कहा है अपने अपने शब्दों में कहा कि इनकी निष्ठा नीतीश जी के साथ। क्यों बेचैन? कहे वो लोग बेचैन? जो कहते हैं दावा ठोकते हैं वो अपना संभाले, वो अपना घर देखे। थैंक्स। तो अभी आपने सुना जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जेडीयू में कोई फूट नहीं है, जेडीयू पार्टी सही सलामत है, बीजेपी अनाप शनाप बकरी है। साथ ही साथ रामेश्वर महतो जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पे आरोप लगाया था कि कुशवाहा समाज की बैठक में हमें नहीं बुलाया गया था। इसको लेकर भी उन्होंने कह दिया है कि हम लोग में कोई फूट नहीं है, हम लोग मजबूती के साथ अपने नेता नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।